हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कौन सा ऐसा 25 खिलाड़ी है जिसको ISL सीजन 6 के लिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने रजिस्टर्ड किया है, यानी कि कौन सा ऐसा 25 खिलाड़ी जो ISL सीजन 6 में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC की तरफ से खेलने वाले है। तो दोस्तों, ISL सीजन 6 के लिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने अपना 25 खिलाड़ी का स्क्वाड रजिस्टर्ड कर लिया है। तो चलो आप हम लोग देख लेते हैं कि उस 25 खिलाड़ी का स्क्वाड में कौन कौन शामिल है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं गोलकीपर्स के बारे में। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने ISL सीजन 6 के लिए 3 गोलकीपर्स को रजिस्टर्ड किया है, जिसमें पहला नाम आता है पवन कुमार का, और पवन कुमार का जर्सी नंबर होने वाला है नंबर 1। उसके बाद जिसका नाम आता है दोस्तों, वो है सोराम ओंगनबा, और उनका जर्सी नंबर होने वाला है 16। उसके बाद तीसरा जो गोलकीपर है दोस्तों, वो है शुभाशीष रॉय चौधरी, और उनका जर्सी नंबर है 99। और अब चलते हैं दोस्तों डिफेंडर्स की तरफ। तो डिफेंडर्स के लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है काई हेरिंग्स का, जिसका जर्सी नंबर होने वाला है 14, और उसके बाद रेगान सिंह, जिसका जर्सी नंबर है 12, और उसके बाद मिसलप कॉमर्स की, जिसका जर्सी नंबर है 15, उसके बाद निमदोरजी तमंग, जिसका जर्सी नंबर होने वाला है 29, और उसके बाद पवन कुमार और प्रभात लकड़ा, जहां प्रभात लकड़ा का जर्सी नंबर है 4, वही दूसरी तरफ पवन कुमार का जर्सी नंबर है 5। उसके बाद ISL सीजन 6 के लिए राकेश प्रधान का जर्सी नंबर होने वाला है 33, और सौभिक घोष का जर्सी नंबर है 26। और उसके बाद आखिरी में जो डिफेंडर्स आता है दोस्तों, वो खिलाड़ी है वेने भेज, और उसका जर्सी नंबर है नंबर 2। तो दोस्तों, ये तो था 25 में से 9 डिफेंडर्स के नाम। और अब चलते हैं थोड़ा मिडफील्डर्स की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पर मिडफील्डर्स के लिस्ट में सबसे पहला जो नाम आता है, वो खिलाड़ी है दोस्तों अल्फर्ट लालरुवत सांग, और उसका जर्सी नंबर है 30। उसके बाद जोसे लेडू, जिसका जर्सी नंबर होने वाला है 6, और उसके बाद नाम आता है दोस्तों अंडर 18 इंडियन टीम का खिलाड़ी निंथोई मितेई का, जिसका जर्सी नंबर है 7, और उसके बाद नाम आता है लालिंग माविया, जिसका जर्सी नंबर है 45। उसके बाद नाम आता है लाल रिम पुया फनाई का, जिसका जर्सी नंबर है 13, और उसके बाद लाल थाथांगा खाउलिंग पुतिया, जिसका जर्सी नंबर है 32। उसके बाद नाम आते हैं दोस्तों मिलन सिंह और निखिल कदम का। इन दोनों में से मिलन सिंह का जर्सी नंबर होने वाला है 8, और निखिल कदम का जर्सी नंबर है 23। और उसके बाद नाम आता है पानाजियाटिस ट्रियाडिस का, जिसका जर्सी नंबर है 21। उसके बाद रिदिम तलंग, जिसका जर्सी नंबर है 22। तो दोस्तों, ये जो 10 मिडफील्डर्स का नाम मैंने आप लोगों को बताया, यही 10 मिडफील्डर्स ISL सीजन 6 में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के टीम में खेलने वाले है। तो ये तो था मिडफील्डर्स का लिस्ट। और आप बात कर लेते हैं दोस्तों स्ट्राइकर के बारे में। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने 3 स्ट्राइकर को अपने टीम में रजिस्टर्ड किया है ISL सीजन 6 के लिए, जिसमें से नाम आता है दोस्तों आसामोआ ज्ञान, मार्टिन साबिस गार्सिया और मैक्सिमिलियानो बेरेरो का, जहां आसामोआ ज्ञान का जर्सी नंबर है 3, मार्टिन साबिस गार्सिया का जर्सी नंबर है 11, तो वही दूसरे तरफ मैक्सिमिलियानो बेरेरो का जर्सी नंबर है 20। तो दोस्तों, यही 25 खिलाड़ी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC की तरफ से ISL सीजन 6 में खेलते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, मैंने तो आप लोगों को इस 25 खिलाड़ी का नाम से लेकर जर्सी नंबर के बारे में भी बता दिया। और फिलहाल आप लोगों का काम है इस वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट सेक्शन पर जर्सी के बारे में अपना राय बताना। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि ISL सीजन 6 के लिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने फ्रेडरिको गैलेगो को उनके चोट के चलते रजिस्टर्ड नहीं किया, और हो सकते है जनवरी ट्रांसफर विंडो तक अगर किसी एक फॉरेनर्स का परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन चलता है, थोड़ा धीमा रहता है, तो शायद फ्रेडरिको गैलेगो को उनके जगह टीम में मौका मिल सकते है। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी ऑन कर देना, ताकि मेरे वीडियो अपलोड करने के साथ साथ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।